उपकार। ये फिल्म यदि आपने नहीं देखी है तो भी ये गीत तो आपके जीवन में शामिल जरूर होगा, चाहे स्वतंत्रता दिवस हो या गणतंत्र दिवस या हो कोई भी देशभक्ति का पर्व। मेरे देश की धरती उन चुनिंदा गीतों में होता है जिनको सुनकर हम अपने भारतीय होने पर गर्व करने लगते हैं। हम भारतीयता की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज की कड़ी में हमें बात ही कुछ ऐसी करनी है। भारत से शुरू हुए एक वैश्विक उत्सव की ये है मिलेट्स को एक वैश्विक पहचान, स्वीकार्यता और विस्तार देने का अभियान। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रवीण शर्मा है। आज के पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं मिलेट्स के बारे में और भारत के मिलेट्स के विस्तार में किए जाने वाले योगदान के बारे में। साथ ही आपको जानकारी देंगे कि मिलेट्स हैं क्या और इनमें वो कौन कौन से गुण हैं जो इन्हें इतना लोकप्रिय बना रहे हैं और सभी के लिए मिलेट्स को अपनाना क्यों जरूरी हो गया है। हमारी संस्कृति, सभ्यता आत्मनिर्भर होने की भी है और आत्मविश्वासी बनाने की भी। हमारा आचरण स्वस्थ रहने का भी है और विश्व को जागरूक करने का भी। कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात के कच्छ से अरुणाचल के विशाल पहाड़ों तक भारत समावेशी रंगों में रंगा है। हमारा खान पान, पहनावा, तीज त्योहार सारी दुनिया को लुभाते हैं। आखिर क्या बात है, ऐसा क्या है जो हमें पहचान देता है? 2023 में जब सारा विश्व ये देख रहा था कि वसुधैव कुटुंबकम की सभ्यता वाला ये भारत कैसे G20 सम्मेलन में आए राष्ट्र प्रमुखों को मोहित कर रहा है, एक और जादू हुआ विश्व पर। राष्ट्र प्रमुखों और उनके साथ आए मेहमानों को मिलेट्स की एक समृद्ध विरासत से रूबरू करवाया गया। इन नेताओं के साथ जो शेफ आए वो भी अपने साथ ऐसा अनुभव और सीख लेकर गए कि मिलेट्स अब उनके भोजन में, रेसिपी में शामिल होंगे। एक तरफ तो भारत में हमने 2023 को मिलेट्स का वर्ष घोषित किया और इसे अति उत्साह के साथ अपनाया भी। इसके साथ ही G20 में ऐसे डिनर आयोजित हुए जिसमें सारा का सारा मेन्यू बस मिलेट्स पर ही आधारित था। क्या आपको पता है, संयुक्त राष्ट्र ने ये कहा है कि भारत की पहल और प्रयास विश्व के अन्न संकट की चुनौती का सामना करने में भी सहायक होंगे। वैश्विक अन्न सुरक्षा से जुड़े एक कदम के रूप में भी मिलेट्स को प्रोत्साहित करना एक सकारात्मक शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है। इसके साथ ही भारत की अध्यक्षता में 2 दिवसीय वैश्विक मिलेट्स सम्मेलन का आयोजन मार्च में किया गया। 102 से अधिक देशों को अपनी G20 अध्यक्षता में साथ लाकर भारत ने अपने नेतृत्व को वैश्विक किया है। भारत ने महर्षि, इंग्लिश में MAHARISHI नाम का अभियान शुरू किया है। मिलेट्स एंड अदर एंशिएंट ग्रेन इंटरनेशनल रिसर्च इनिशिएटिव। हमारे लिए यह गर्व का विषय है कि भारत मिलेट्स के इस अभियान को एक जन जागरण बनाने जा रहा है। मिलेट्स में भारत विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक भी है और उपभोक्ता भी। हम उगाते भी सबसे अधिक हैं और खाते अपनाते भी। हमारे खान पान में मिलेट्स आज से नहीं सदियों से ही शामिल रहे हैं। मिलेट्स क्या होते हैं, ये सवाल भारत में रहने वाले किसी बुजुर्ग से पूछेंगे तो हो सकता है कि उनको जवाब पता ना हो। हाँ, मैं सच कह रहा हूँ, परंतु यदि एक बार आपने उन्हें जवाब के विकल्प दिए तो समझिए वो हैरान होंगे इतना आसान सवाल सुनकर। जितना वो जानते हैं मिलेट्स को उतना तो शायद हम भी नहीं जानते होंगे। ज्वार, बाजरा, कांगनी, रागी, कुट्टू जैसे ही सुनेंगे विकल्पों को तो खिल उठेंगे और गर्व से कहेंगे, अरे बेटा जी, हम तो हमेशा से मोटा अनाज खाते आए हैं, तभी तो हमारे शरीर ठीक रहे हैं, पचने में आसान, मिलावट भी कम और इतने गुण और किसी खाने में इस तरह नहीं मिलते। बड़ी अच्छी बात है कि आप लोग, बच्चे और युवा भी सब पहचान रहे हैं ये खान पान। याद रखना, नया 9 दिन और पुराना 100 दिन। खुश रहो, अब मुझे भी याद रहेगा कि सब मिलेट्स कहे जाते हैं अंग्रेजी में। जो आजकल नई पीढ़ी के लिए सुपर फूड हैं, वो सदियों से हमारे लिए रेगुलर फूड ही रहा है बेटा जी, और ये सराहनीय है कि युवाओं ने भी इसे प्रोत्साहित करते हुए अपना लिया है। दोस्तों, थोड़ा विस्तार से बात करते हैं चलिए। मिलेट्स छोटे आकार के सिरिल अर्थात धान्य हैं जो कठोर मौसम का सामना कर लेते हैं और अधिकतर एशिया अफ्रीका में उगाए जाते हैं। मिलेट्स एक पुराना शब्द है, लैटिन, ग्रीक, फ्रेंच भाषाओं में सुना गया है। ये तो आपको याद ही है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है। हमारे आदिवासी इलाकों में मिलेट्स भोजन का अभिन्न हिस्सा रहा है, आज से ही नहीं सदियों से। मिलेट्स मौसम और मिट्टी की चुनौती का सामना तो करते ही हैं, इनकी पौष्टिक क्षमता भी अच्छी होती है। फाइबर की मात्रा प्रचुर होती है मिलेट्स में और ग्लूटेन फ्री होने के कारण ये सबसे सुरक्षित भी माने जाते हैं। मिलेट्स में पाया जाने वाला नियासिन तत्व कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण में सहायक है और मिलेट्स ब्लड प्रेशर नियंत्रण में भी सहायक रहते हैं। ICMR अर्थात इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च तथा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन के अनुसार हमारे प्रतिदिन के खाने में 33% मिलेट्स धान्य का होना सही मात्रा है। ये भी कहा गया है कि अत्यधिक मात्रा में मिलेट्स खाना ही इनका कोई साइड इफेक्ट दे सकता है, अन्यथा ये पूरी तरह सुरक्षित हैं। आप राशन लाने की जगह पे अगली बार जब जाएं तो याद से मिलेट्स के उत्पाद खोज लें। रोटी, डोसा, बिस्कुट, चीला, टिक्की, गोलगप्पे यानी पानीपुरी, उपमा, इडली, पैनकेक, सलाद, लड्डू, पायसम, ब्रेड, केक, खाखरा, ये सब तो हम घर में ही बना सकते हैं मिलेट्स से। आप सब तो कुशल लोग हैं, अपनी नई रेसिपी बना सकते हैं, खोज सकते हैं और दिल जीत सकते हैं मेहमानों का। बाजरे की रोटी पर मक्खन रखिए, लड्डू के आकार का कम से कम, और थोड़ी लहसुन लाल मिर्च वाली चटनी सिलबट्टे से कुटी हुई। बस परमानंद लीजिए पर्ल मिलेट कहे जाने वाले बाजरे की रोटी का। बाजरा जो हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश में खूब उगाया जाता है, सबसे अग्रणी मिलेट नजर आता है। अब ज्वार, कांगनी, कुटकी, सावा, कोदो, सामा, झंगोरा, मडुआ, कोदरा, कुट्टू जिसका आटा व्रत में खाते हैं, इनके बारे में तो आप जानकारी ढूंढ ही लेंगे। ये जो कुट्टू है जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मुख्यतः उगाया जाता है। ये कम पानी, कम उपजाऊ जमीन में भी उगाया जा सकता है। वजन कम करने, ब्लड प्रेशर को सही रखने और हृदय संबंधी सेहत में भी लाभदायक होता है। ध्यान दीजिए कि कुछ मिलेट्स केवल भारत में ही पाए जाते हैं और कुछ ऐसी किस्में हैं जो दुनिया में कई जगह और भी मिलती हैं। परंतु एक बात देखिए, सुनिए, व्रत में ये घास आधारित भोजन खाने की अनुमति होती है। हमारे धार्मिक नियम भी सोच समझकर स्थापित हुए हैं। मिलेट्स कोई 200-300 साल नहीं, 10,000 सालों से भी पहले के धान्य बताए जाते हैं। मित्रों, गेहूं और चावल तो हमारे देश के अलावा विश्व के लगभग सभी देशों में मुख्य अनाज है, परंतु क्या आप जानते हैं कि इन्हें नेगेटिव ग्रेन्स अर्थात हानिकारक अनाज भी कहा जाता है। ग्लूटेन होता है ना इनमें, और मधुमेह यानी डायबिटीज के एक कारण के रूप में भी गिन लिया जाता है। डॉक्टर अक्सर इनसे रोक देते हैं और वैकल्पिक अनाज सुझाते हैं, वो नाम लेते हैं मिलेट्स का। सोचिए, अगर शुरू से ही मिलेट्स खाने का हिस्सा बन जाएंगे तो निश्चित रूप से सेहत बेहतर होगी। मैंने तो अपने दादा दादी, नाना नानी को देखा है यही मिलेट्स को अपना मुख्य भोजन मानते हुए। हमारे अपने घर में गर्मी सर्दी का सबसे पौष्टिक भोजन यही मोटा अनाज खाया है मैंने तो। आप भी एक बार अपने बड़ों से उनके बचपन के बारे में पूछोगे तो आपको भी अनुभव होगा कि मिलेट्स कितने लोकप्रिय रहे हैं। कह सकते हैं कि भारत में मिलेट्स भोजन में राशन की कोई एक आइटम नहीं, ये तो परंपरा है परिवार की। विश्व कल्याण और फायदों की बात करें तो मिलेट्स की फसल उगाना आसान है और इसमें वातावरण को सहयोग करने वाले तरीके होते हैं जिनसे ग्रीन हाउस गैसों पर भी नियंत्रण किया जा सकता है, मिट्टी भी उपजाऊ बनती है और फसलों का रोटेशन संभव होता है। सतत विकास लक्ष्यों के लिए तो मिलेट्स का ये अभियान एक वरदान हो सकता है। भुखमरी हो या कुपोषण की समस्या, भंडारण की समस्या हो या किसानों की आर्थिक स्थिति, मिलेट्स में शामिल सभी अनाज एक आशा की किरण नजर आते हैं। मिलेट्स की फसल अत्यधिक पानी, खादें या कीटनाशक या निवेश की मांग नहीं करती है। इसका यही गुण एक उम्मीद जगाता है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन भारत के साथ मिलकर काम कर रहा है ताकि 2023 सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने में सफलता पाई जा सके। रिपोर्ट्स में ये कहा गया है कि पिछले साल 11 में से एक व्यक्ति भूखा सोया। लगभग 42% लोग ठीक तरह का भोजन ना पाने की स्थिति में बचे खुचे खाने पर निर्भर रहे। दुनिया को विकसित करने और अत्याधुनिक तकनीकों को बनाने वाले इस 21st सेंचुरी वर्ल्ड को दोस्तों अभी बहुत कुछ करना है और मिलेट्स इसमें सहयोगी हो सकते हैं। ये बात तो बड़े ही हर्ष से स्वीकार की जा सकती है कि मिलेट्स एक तरह के लेवलर हैं, यानी सब बराबर करने वाले यंत्र की भांति। इनसे बना भोजन दुनिया के शीर्ष मेहमानों को भी परोसा जा सकता है और गांव देहात में एक किसान के घर का भी अभिन्न अंग हो सकता है। कोरोना महामारी के बाद छोटे किसानों को फिर से सहारा देना है क्योंकि इस महामारी ने छोटे व्यापार और छोटे किसानों को बहुत पीछे धकेल दिया है। भारत का मिलेट्स अभियान इस समस्या का भी निदान सुझाता है। G20 के कृषि मंत्रियों ने भी मजबूती से ये बात स्वीकारी कि अब परंपरागत खेती में बदलाव की जरूरत है और मिलेट्स उसका एक सटीक उपाय हैं। चाहे मिठाई हो या चटनी, या हो गोलगप्पे पानी पूरी, टिक्की हो या हलवा, अब सब जगह मिलेट्स का बोलबाला है। प्रोटीन्स, विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर मिलेट्स को हमें और प्रसारित करना है। याद रखिएगा, स्वास्थ्य से बड़ी कोई पूंजी नहीं होती, ना ही आप इसका कोई विकल्प चुन सकते हैं। कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन। वसुधैव कुटुंबकम से ये सीखकर कि हमें अब एक सजग, सबल और स्वस्थ संसार के हित के लिए अपना सहयोग देना है, आइए हम सभी मिलेट्स को और समझते हैं, साझा करते हैं। नमस्कार।